हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विक्टर मोटरी। मैं हूं आपका होस्ट अनुज, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम आपको एक जगह घुमाने ले जा रहे हैं, बेसिकली हम जा रहे हैं लेकिन आपको भी साथ साथ ले शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। तो हम जा रहे हैं जगाधरी, जो कि यमुनानगर में पड़ता है, तो हरियाणा में ही है, शायद आपने नाम सुना होगा। सो वहाँ की जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:01, तो 9 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तो पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँच के आपको थोड़ा बहुत घुमाएंगे। तो जी, यहाँ से जगाधरी का डिस्टेंस है 242 किलोमीटर और ये दिखा रहा है कि 2 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो जी, शुरू करते हैं अपनी जर्नी अपने घर से और बाकी जैसा जैसा रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंटर कर चुके हैं, अभी फरीदाबाद दिल्ली का बॉर्डर अपने क्रॉस किया है और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:39। तो बेसिकली क्या है, इस टाइम पे आज तो सैटरडे है, किसी किसी का ऑफ रहता है, किसी किसी का नहीं रहता, तो काफ़ी लोग ऑफिस जाते हैं तो 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है जाम लगना यहाँ पे। बाकी अभी तो मूविंग रोड है, ज़्यादा जाम नहीं है, बट स्टिल देखते हैं आगे कितना जाम रहता है। और ट्रैफिक तो है, अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे 7-8 बजे तक तो आपको बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा, आप आराम से दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे। और यूजली तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, और वैसे अगर आप जाम ना हो तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं। पहुंच गए हम ITO पे पे, स्पीड लिमिट है 50 से नीचे। स्पीड लिमिट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है दिल्ली में, क्योंकि चलान आपका मैसेज में आ जाता है मतलब कोई पुलिस नहीं होती, अपने आप ही चलान आ जाता है, तो इसलिए स्पीड बोर्ड्स भी काफ़ी लगे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड नहीं है, बोर्ड्स हैं जहाँ पे 50 है, 60 है, ऐसा है, तो उसके हिसाब से चलाएं। और अब तो दिल्ली में पीछे वाली सीट बेल्ट भी मैंडेटरी है, तो कृपया याद रखें ये चीज़ ना, कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना चलान कट जाता है, फिर मूड ख़राब हो जाता है। कहीं जा रहे हो आप अच्छे से और पुलिस पकड़ ले आपको और फिर आपका चलान कट दे, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। ये रही ITO की बिल्डिंग। अगर आपको कनॉट प्लेस जाना है तो आप ये वाला रास्ता लेफ्ट में पकड़ सकते हैं, बट हमें कनॉट प्लेस नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है। कश्मीरी गेट होते हुए हम जाएंगे और कश्मीरी गेट के लिए ये रास्ता है, और सीधा ये रास्ता राजघाट को चला जाता है, और हम अगर राइट ले लेंगे तो आउटर से होते हुए हम कश्मीरी गेट पहुंच सकते हैं। स्पीड ब्रेकर अहेड। तो जी, जैसे कि आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, ये सीधा रास्ता राजघाट को जाता है, और अगर आपको ISBT जाना है तो बेसिकली ISBT जो है दिल्ली का, वो कश्मीरी गेट एक ही चीज़ है, और कश्मीरी गेट भी बोलते हैं उसको, इसलिए मैंने कश्मीरी गेट बोला था। ISBT बोर्ड में ISBT लिखा हुआ है, और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। अगर आपने फैमिली मैन वाला शो देखा है तो ये फैक्ट्री है जिसमें से वो गैस लीक करते हैं, ये भी रास्ते में पड़ती है। पहले राजघाट वाला जो सीधा रास्ता था वहीं से होते हुए जाता था, लेकिन अब इन्होंने मतलब बहुत साल हो गए हैं ये हाईवे बना हुआ है, तो ये अच्छा सा आउटर में बना दिया है, और साथ में ही रिवर बहती है। स्पीड कैमरे इन 500 मीटर्स, ड्राइव बिलो 70। तो जी, मैं ये MG की एक और ख़ासियत बताना चाह रहा था कि अगर स्पीड कैमरेज जो
कर लेते हैं और बता देते हैं पहले से ही। तो और ये भी बताते हैं, जैसे ये 70 लिखा है तो इसमें बता रहे हैं कि आप बिलो 70 चलाएं क्योंकि ये स्पीड लिमिट है। और कैमरा कितनी दूर है वो भी बता देता है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये कैमरा लगा हुआ है तो ये स्पीडिंग कैमरा है और हमारी गाड़ी ने हमें बता दिया कि आगे स्पीडिंग कैमरा है तो इतनी स्पीड के नीचे चलाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, आपके 2000 रुपये बचा देता है क्योंकि चलान तो 2000 का ही कटता है। हम पहुंच गए हैं ISBT जो कि दिल्ली का बस स्टैंड है बेसिकली, और यहाँ से एंट्री होती है। टाइम हो रहा है 10:06। स्पीड कैमरे इन 400 मीटर्स ड्राइव बिलो 60। ओके मैम, तो यहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं, कहीं की भी बस पकड़ सकते हैं। बेसिकली ये मेन बस स्टैंड है जहाँ से आपका बहुत दूर दूर के लिए भी बसें जाती हैं, इवन लेह के लिए भी यहीं से जाती है बस। Speed camera in 400 meters, drive below 60. आप जब ISBT से आके सीधे चलते आएंगे, और सीधा सीधा रोड है, जब आप सीधे सीधे चलते आएंगे तो आपको ये एक इस रोड पे ये एक बोर्ड मिलेगा जो कि बताता है कि अगर आप सीधा जाएंगे तो रोनी पड़ेगा, बट रोनी अभी मिटा हुआ है, कोई बात नहीं। पानीपत और चंडीगढ़ सीधा सीधा बता रहा है। आगे एक कूड़े का पहाड़ आता है, वहाँ से आपको एक फ्लाईओवर से यूटर्न तो नहीं राइट लेना पड़ता है। ये वो वाला फ्लाईओवर है जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले कुछ टाइम में। तो अब इस फ्लाईओवर से हमें लेफ्ट करके एक यूटर्न टाइप आता है वो लेना है। अगर सीधे चले जाएंगे तो ये रोनी और रोहतक की तरफ जाता है ये रास्ता, बट हमें सीधा नहीं जाना है। और जैसे आप बोर्ड देख सकते हैं, आगे बोर्ड आ जाता है कि करनाल के लिए लेफ्ट मुड़ना है एंड रोनी के लिए आप सीधे जाना है। तो ये वाला टर्न थोड़ा सा क्रिटिकल है और इसको ध्यान दें, अगर आप ये वाला टर्न नहीं लेते तो फिर आपको आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो जी, जब आप दिल्ली से करनाल की साइड और ये चंडीगढ़ वाले हाईवे पे जाते हैं तो बीच में ये काफ़ी ऐसी जगहें मिलती हैं, बेसिकली फ्लाईओवर बन रहे हैं, पूरी रोडें टूटी पड़ी हैं, और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं, तो ये काफ़ी टाइम से बन रही है। मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी बना देते हैं, ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं बनाने में और फिर पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। यार ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, रोडे तोड़ रहे हैं और फ्लाईओवर बना रहे हैं, बट बहुत टाइम लगता है। फ्लाईओवर अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा जल्दी कोशिश करनी चाहिए जल्दी बन जाए, बट यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है। तो ये बड़ा एक समस्या है, इसलिए मैं इस रोड को पसंद नहीं करता। यूजली KMP से मैं ट्रैवल करता हूँ, बट जाते वक्त दिल्ली से सोचा आज यहाँ से चलते हैं, आते वक्त तो वहीं से ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर, और सर्विस रोड पे हम चल रहे हैं, मेन रोड तो टूटी पड़ी है। तो जी, फाइनली काफ़ी जल तो जहद के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अच्छी रोड्स पे। देखिए, जहाँ पे अच्छा काम किया होता है उसकी तारीफ भी होती है, और जहाँ पे ख़राब होता है उसकी फिर जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। और ये रोड काफ़ी अच्छी बना दी है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा इसको भी बनने में,
हम लोग अराउंड 8-10 साल से आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये रोड कैसे बनी है, कब बनी है। तो बाकी तो बहुत अच्छी रोड बनी है, ये फ्लाईओवर्स बनाए हैं सरकार ने, अच्छा काम किया है। बट ये है कि बहुत स्लो किया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी जब ये हाईवेज बन रहे थे, ये फ्लाईओवर्स बन रहे थे, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, जाम होता था, बहुत ही मुश्किल से हम लोग पहुँच पाते थे। बट अब थोड़ा स्मूथ हो गया है तो अच्छा ही है। तो बाकी बस रोडों का और सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, आपको भी साथ साथ दिखा रहे हैं कि कैसी रोड्स हैं। और तो जी समय हो रहा है 11:09 और हम पहुँच गए हैं मूरथल। अब मूरथल पे यहाँ पे एक स्टे लेंगे, हम यूजली लेते हैं क्योंकि घर से नाश्ता करके निकलते हैं, थोड़ा बहुत लाइट खा लेते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेन का इंजन जा रहा है, तो खाली ये फ्रेम ही लग रहा है मुझे, अंदर तो कुछ नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये ट्रक इसको ढो पा रहा, नहीं तो काफ़ी भारी रहता है। आई डोंट थिंक ये ट्रक पूरा इंजन का लोड ले पाता होगा। तो अब मूरथल आ गए हैं, मूरथल पे हम लोग पहलवान के ढाबे पे रुकेंगे, पराठे वराठे खाएंगे, क्योंकि एक तरीके का आदत सी हो गई है कि जब भी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे हमेशा रुकते हैं। पहले तो सुखदेव पे रुकते थे, लेकिन अब सुखदेव में वो मज़ा नहीं आता, तो पहलवान पे रुकते हैं। तो और पहलवान जी का ढाबा आ गया है, ये फ्लाईओवर के बाद ही आता है, तो काफ़ी ध्यान से थोड़ा सा अगर आप आते हैं तो इसको क्रॉस करें ध्यान से, क्योंकि पीछे से एक रोड भी आ रही होती है और रोड में भी काफ़ी ट्रैफिक आ रहा होता है, तो आराम से क्रॉस करें। तो जी हम आ गए हैं पहलवान के ढाबे पे, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है, और गाड़ी बहुत ही आज साफ लग रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी स्मूथ राइड थी, मतलब इसमें थकावट नहीं होती, बात यह है काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और बहुत ही स्मूथ है, अंदर कैबिन नॉइज़ भी इसमें बहुत कम रहती है हाईवेज़ पे। और हाई स्पीड में तो आप देखते हैं, जैसे वीडियो में कभी कभी आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि काफ़ी स्मूथ राइड है। तो जी ऐसा कुछ एम्बियंस है यहाँ पे पहलवान ढाबे का, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे गमले भी रखे हुए हैं। हाँ जी, क्या खाएंगी आप, क्या ऑर्डर लेंगे आप? आलू का पराठा? इतनी दूर से आलू का पराठा खाने आई हो? तो घर पे भी खा सकते, ये तो घर पे भी खा सकते थे आप। हाँ जी, आप क्या खाने आई है मैडम? ये मैडम कुछ भी खा लेंगे, तो मैडम के लिए मिर्चें रखी हुई है यहाँ पे। है हमने तो आलू प्याज का पराठा और चाउमीन और डोसा ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कितनी जल्दी में आता है। अभी टाइम हो रहा है 11:19, अभी ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कितनी देर में आता है। केक्स एंड पेस्ट्रीज, पराठे जल्दी आए थे क्योंकि यहाँ पे पराठे ज़्यादा लोग खाते हैं। तो जी प्लेटें लग गई हैं और प्याज आ गई है सिरके वाली और चटनी। भैया एक चाय के साथ ने कुल्लड़ भी लिया, चाय के साथ एक कुल्लड़ और शुगर भी लिया ना थोड़ी सी कुल्लड़। तो जी यहाँ पे पराठा एक्सचेंज हो रहा है। हाँ। नहीं नहीं चाय तो नॉर्मल। और हमारा खाना आ गया 11:31 पे, तो 11:19 पे ऑर्डर किया था, 31 पे आ गया, तो बेसिकली कुल्लड़ का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। कुल्लड़ का एक्स्ट्रा चार्जिंग, कोई बात नहीं, देरी से तो खा, क्या मैं कह रहा था, हाँ खाना आ गया हमारा 12 मिनट में, तो बस अब खाना शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा था। वैसे तो अच्छा ही होता है यहाँ पे क्योंकि हम यूजली खाते हैं यहाँ पे, तो अभी टेस्ट खा के बताते हैं। खाना हो गया फिनिश, कुछ खाना बचा नहीं, आज कुछ खाना ज़्यादा ही टेस्टी था, और पराठे तो अच्छे थे, बाकी चाउमीन भी अच्छी थी, बट डोसा जो था, डोसा अच्छा था बट उसका सांभर इतना टेस्टी नहीं था, तो खा के उठ गए हैं, अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। गाड़ी अपनी वो गाड़ी है, बस निकलते हैं अभी यहाँ से। तो जी निकल पड़े हैं अब हम मूरथल से, और टाइम हो रहा है 12:04।
हैं पानीपत, और पानीपत का बोर्ड आ गया चंडीगढ़ अंबाला, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरे में, सॉरी नॉट कैमरे में, वीडियो में। तो पानीपत के लिए अगर आपको सिटी जाना है तो यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हैं, बट अगर आपको पानीपत नहीं जाना है, आपको करनाल जाना है या आगे चंडीगढ़ जाना है, तो आप ये वाला राइट वाला हाईवे पकड़ेंगे जो कि एक फ्लाईओवर है, सीधा आपको पानीपत क्रॉस करा देता है, बीच में सिटी में नहीं जाने देता क्योंकि सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है। बाकी जो बस स्टैंड है पानीपत का वो सिटी में ही है, अगर आपको बस स्टैंड जाना है तो आपको अंदर ही सिटी में ही जाना पड़ेगा। बाहर एक अभी हमने देखा था कि बाहर एक बन रहा है, तो जब बनेगा तो फिर बाहर हो जाएगा, बट अभी तो सिटी में ही है पानीपत का। और ये हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए अभी। जगाधरी के लिए जाने के लिए आपको ये हाईवे छोड़ना पड़ता है, वहाँ से कुछ 75 या कुछ किलोमीटर दूर है जगाधरी। फाइनली हमने करनाल क्रॉस कर लिया है, और करनाल के बाद जो मैंने आपको बताया था कि यमुनानगर के लिए आपको राइट में मुड़ना पड़ता है, तो ये बोर्ड आ जाता है यहाँ से देख के आप लेफ्ट मुड़ना पड़ता है, तो यहाँ से बोर्ड देख के आप यहाँ पे लेफ्ट मुड़ सकते हैं। और एक और बोर्ड आया जो के दिखाता है आपको लेफ्ट से पुल के नीचे से और फिर राइट मुड़ना। पहुंच गए हैं हम जगाधरी, और बेसिकली जगाधरी यहाँ से अराउंड 5 या 10 किलोमीटर दूर है, और ये हाईवे हमने पकड़ा है जो बेसिकली सीधा ये यहाँ से चंडीगढ़ जाता है, और ये स्टार्ट होता है देहरादून से। देहरादून से मतलब जब आप देहरादून से चंडीगढ़ की ओर जाएंगे तो ये एक हाईवे पड़ता है जो आपको पहुँचा देता है। तो बेसिकली यहाँ से अभी हमें 5-10 मिनट लगेंगे, और 5-10 मिनट में हम जगाधरी पहुँच जाएंगे। तो जी पहुँच गए हैं यमुनानगर का, एक्चुअली यमुनानगर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे ये जो कट है यहाँ पे आप देख सकते हो पंचकुला 84 और अम्बाला
45 ये सीधा पंचकुला जाता है रोड। मैंने बोल था चंडीगढ़ जाता है, लेकिन चंडीगढ़ भी जाता है एक्चुअली, पंचकुला के बाद चंडीगढ़ ही आता है। तो और जगाधरी का भी बोर्ड आ गया, यहाँ से अब हम राइट लेंगे और जगाधरी